हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ कि जो गले से स्टार्ट किया जाता है। तो मैंने इस तरीके से ये इतना बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने ट्रिपल वूल करके इस ये डिजाइनर फंदे डाले हैं ये वाले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती चली आई हूँ। और इसकी मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड की हुई है। तो इसमें मैंने फंदे लिए हैं 68 फंदे लिए हैं और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज कर रही हूँ। देखिए 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं ये। ये मेरी वर्धमान की बेबी वूल है और ये 100 ग्राम में मैं इसको बनाऊंगी स्वेटर को। और यहाँ पे जब मैंने गले पे ये सिलाइयाँ निकाली हैं, सीधे सीधे से 1 2 3 4 5 पांच सिलाइयाँ मैंने, यानी कि 10 सिलाइयाँ, 10 धारियाँ, सॉरी, पांच हमारी ये धारियाँ बन के आएंगी। तो एक धारी हमारी 2 सिलाइयों की होती है, तो ये 10 सिलाइयाँ हैं हमारी। तो जब मैंने इसको डाला था, इसको डिवाइड करना, तो ये जो हमारे बैक के हैं फंदे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से इसको डिवाइड किया। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये गले की मैंने शेप बनाई है। पहले ये कैसे करके ग्राफ बना लेते हैं, बना लिया ना हमने। तो ये यहाँ पे मैंने बैक के फंदे, ये देखिए 18 फंदे लिए और जाली के फंदे हमारे, जैसे ये एक ये और ये एक एक फंदा हमारा जाली का। तो इनके बीच में जो हमने शोल्डर बनाना है, शोल्डर के फंदे हमने 7 7 इधर, तो 14 फंदे हो गए। ये देखिए यहाँ पे मैंने 14 फंदे और जाली के 4 फंदे, जैसे ये हमारे 4 जालियाँ हैं। फिर हमारे फ्रंट के 9 9, तो 18 फंदे हो गए ये फ्रंट के। और बटन पट्टी के हमारे फंदे हैं 7 7 सात सात फंदे हमारे बटन पट्टी के। तो इनको कुल टोटल हमारा हो गया ये 68 फंदे। तो ये हमारे 68 कुल टोटल फंदे हो जाते हैं। तो आप जब भी ऐसे बनाएं, पहले आप एक ग्राफ बना लें, फिर देखें कि किस तरीके से हमने इन फंदों को पार्टीशन करना है, कि कैसे कैसे हम इन फंदों को हम डिवाइड कर लें। तो इस ऐसा करने से हमें आसानी से हम फिर फंदों को बुन सकते हैं। तो ग्राफ बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ा बड़ा बनाना हो तो आप इसमें, जैसे ये है, अगर डबल जाली डालनी हो, डबल जाली मतलब कि दो फंदे लेने हो, जैसे मैंने एक फंदा लिया जाली का, तो आप यहाँ पे दो दो भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, 4 फंदे और बढ़ गए, तो उसमें हो जाएगा 72 फंदे। तो चलिए अब देखते हैं इसको हमने किस तरीके से बनाया है। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमने उल्टी तरफ से हमने इस तरीके से बुनना है और जाली के फंदों को भी इसके साथ ऐसे ही बुनते जाना है। और सीधी तरफ से हमने जाली बनानी है इस इधर से। और ये वाले जो हमने फंदे सीधी की पट्टी ली हुई है, जो हम ये सीधे सीधे बना रहे हैं ना, उल्टे उल्टे, तो ये मैंने सीधे से बनाया है। तो आप ये तो उल्टे उल्टी तरफ से हम उल्टा बुन रहे हैं, तो यहाँ आके आपको क्या करना है, धागा पिछली तरफ करके आपको ये वाले फंदे सीधे बुनने हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से हमने सीधा सीधा बनाना है, जो हमने बटन पट्टी की ये बना रहे हैं, ये इनको दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। और इतना बुनने के बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद ये बटन पट्टी के लिए एक होल बनाया ये। और यहाँ पे हम
आठ आठ फंद ये जब धारियां बन जाएंगी तब मैं यहाँ पे होल बनाती जाऊंगी बटन के लिए। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 सिलाइयाँ हुई अभी हमारी। तो ऐसी हमारी 8 जब हो जाएंगी तो फिर हम यहाँ पे एक जाली और बनाएंगे बटन के लिए। इस तरीके से हमने इनको बुन लेना है उल्टी तरफ से उल्टा, और पट्टी के फंदों को हमने अपनी थ्रेड को पीछे करके सीधा बनाना है। जब इसकी लेंथ हमारी शोल्डर की पूरी हो जाएगी तब हमने इन फंदों को अलग, और जो हमारा फ्रंट की और बैक की और इन फंदों को हम एक सिलाई में डाल लेंगे या सुई में ऊन रो के इन फंदों को हम अलग कर लेंगे। फिर इन तीनों को बैक और फ्रंट के दोनों को एक साथ हम बुनेंगे। उसके बाद फिर हम एक डिजाइन डालेंगे। तो पहले हम इसकी लेंथ पूरी कर लेते हैं शोल्डर की, और कम से कम यहाँ पे 20 जालियाँ डालूंगी। तो मैं इतना कर लेती हूँ तो फिर बताऊंगी। जो हमारा ये जाली का फंदा हम सीधी तरफ से जाली बनाते हैं तो उल्टी तरफ से हमने जाली वाले फंदे को भी हमने उल्टा बुनना है। कोई सी भी बात, जब इसका मेरा ये बताने के लिए मैंने बता रही हूँ आप लोगों को कि ये मैं 10 नंबर से बना रही हूँ, तो मैंने आगे फंदे बहुत ज़्यादा हो जाने हैं, तो मेरे पास सर्कुलर निडल 10 नंबर की, और नहीं 10 नंबर की नहीं है और 11 नंबर की है। 11 नंबर की ज़्यादा टाइट हो जाती है तो 9 की मोटी हो जाती है, तो अगर हो सके तो 9 भी लगा लूँगी, तो नहीं तो मैं 10 से ही बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको बना के पूरा कर लिया है। 20 जालियाँ मैंने डाल ली हैं, तो यहाँ पे हमारी शोल्डर की लेंथ भी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैंने इन सिलाइयों में डाल लिया है, सर्कुलर निडल में सिलाइयों में डाल के आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने फ्रंट की दोनों और एक बैक का एक सिलाई में डाल लेने हैं, और इनको मैंने सुई में ऐसे धागा डाल लिया है ऊन, और इन फंदों को मैं यहाँ से लेके जो ये जाली का फंदा और इधर की जाली का फंदा और इसमें डाल दूंगी। तो इतना मैं कर लेती हूँ। ये तो अब देखिए हमने आस्तीन के फंदों को बांध लिया है। अब बैक के अब हमने यहाँ तक बुन लेने हैं, यहाँ तक जितने हमारे फंदे हैं ये यहाँ तक बुन लूंगी, ये जाली के फंदे को छोड़ के जाली तक यहाँ। तो मैं बैक की फंदे गिन लेती हूँ आप लोगों के सामने ही कि हमारे फंदे कितने हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो जो हमने जाली का फंदा था, ये एक इधर हमने स्लीव में ले लिया है ये वाला फंदा, और इधर से भी, तो ये हमारे 58 फंदे, वैसे हमारे यहाँ पे 60 फंदे थे। तो अब मैं इनको जो हमारे ये आर्म होल तक हमारे जो फंदे हुए हैं स्लीव को, अब मैं इनको सुई में डाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव के फंदे अलग अलग बांध लिए हैं, और फ्रंट और बैक के दोनों के फंदे मिला के हमारे पास 64 पेयर हैं, और 64 ना 65 दो ना 130, ये दोनों आगे के और पीछे के मिला के 130 फंदे हैं हमारे पास। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। तो अगर आप लोग भी बना रहे हो तो आप यहाँ तक बना लीजिए, इसके आगे फिर हम बताएंगे आप लोगों को इसको हमने क्या करना है। ये हमारा बैक है, ये फ्रंट, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो हमारी यहाँ तक की वीडियो आप अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसकी आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और जो मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने इसमें कौन सा डिज़ाइन डालना है और कैसे डाला है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, आपके कमेंट और सुझाव से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।